हेलो एवरीवन। तो आज हम ये मंकी क्लाइंबिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आज मैं आपको तीन टफ क्वेश्चन कराऊंगा और एक थोड़ा सा इजी कराऊंगा। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर गड़बड़ करके आते हैं, तो बताऊंगा कहाँ किस पॉइंट पे गड़बड़ होती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर ये थर्ड भी कराने वाला हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं और बाद में आप वीडियो भी देख सकते हैं। फिर मैं आपको ये सेकंड कराऊंगा, ठीक है? और सबसे पहले तो मैं ये फर्स्ट ही कराने वाला हूँ। ये थोड़ा सा इजी है, ये आपने बहुत बार किया भी होगा, लेकिन अब क्या है, आजकल थोड़े से और टफ आने लग गए हैं, जो हमारे थोड़े से हाई लेवल के एडवांस एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन पहले फर्स्ट भी कर लेते हैं। तो क्या है, इन क्लाइंबिंग राउंड पोल ऑफ 80 मीटर हाइट। तो पहले तो बेटा आप 80 मीटर हाइट का एक पोल बना लीजिए, एग्जाम में तो बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, शुरुआत में समझने के लिए बना सकते हैं ये सब चीजें। तो मैंने ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है आपकी, कि एक पोल है जो कि 80 मीटर लंबा है, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। ए मंकी क्लाइम्स 5 मीटर इन ए मिनट एंड स्लिप्स बाय 2 मीटर इन द अल्टरनेट मिनट, मतलब अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है और पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। लॉजिकली हर 2 मिनट का जो उस मंकी का डिस्टेंस है, 2 मिनट डिस्टेंस, बताओ क्या होगा? 5 पहले मिनट में चढ़ता है और 2 अगले मिनट में फिसलता है, तो 5 माइनस 2 3 मीटर वो हर 2 मिनट में चढ़ता है, हर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई। एक चीज और ध्यान रखनी होती है, ये जो पॉजिटिव डिस्टेंस है ना, ये पहले आपने माइनस कर लेना है। 80 टोटल हाइट थी, तो 5 मीटर आप माइनस करके रख लीजिए अपने पास। क्यों रख लीजिए, अभी बताता हूँ। पहले तो आप इस 75 मीटर या इसके आसपास काम करना है, वो भी क्या मतलब है वो भी बताता हूं। अब ये 5 मीटर क्यों माइनस किया है, क्योंकि जो लास्ट जंप होगा उसका वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर लास्ट जंप नेगेटिव होगा तो वो पोल के टॉप पे पहुंचेगा ही कैसे, फिर तो पहुंच ही नहीं सकता। तो हमेशा आपने क्या करना है, ये जो लास्ट जंप है पॉजिटिव, इसको पहले से ही आप माइनस कर लो। फिर आपने 75 मीटर जो बच गया, बचा हुआ डिस्टेंस, उसके आसपास काम करना है। अब इजी वाले क्वेश्चन में तो क्या होगा कि हर 2 मिनट में 3 मीटर, तो 3 को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आप 75 या 75 के जस्ट अबव मल्टीपल के आसपास पहुंच जाए, ठीक है? 3, ये जो 3 मीटर है, इसको एक ऐसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, या तो 75 मिल जाए या 75 से जस्ट अबव 3 का एक मल्टीपल मिल जाए। तो इजी वाले क्वेश्चन में तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मिल जाए, 25, 25 तो 75 मीटर ये कवर हो गया। इधर 25 से किया तो उधर भी तो 2 मिनट, हर 2 मिनट में 3 मीटर हो रहा है, तो उधर भी तो 2 मिनट को 25 से गुना करो तो आपका कितना हो गया, 50 मिनट हो गया। आपको ये मालूम तो चल गया कि 75 मीटर तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए उस बंदर को 50 मिनट लग जाएंगे, और जैसे ही 51st मिनट आएगा तो वो अपना 5 चढ़ जाएगा, टॉप पे पहुंच गया। बस अगला मिनट आया और 5 चढ़ गया, 80 मीटर कवर। तो ये 50 और 1, ये 1 मिनट और है, ये तो टोटल मिनट कितने लगे, 51 मिनट लगे। समझ आया, ये 51 मिनट में वो 80 मीटर पोल चढ़ जाएगा। ये इजी वाला क्वेश्चन था, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि थोड़े से आजकल घुमा फिरा के आने लग गए हैं, तो आजकल जो किताबों में फॉर्मूले दिए होते हैं वो फेल हो जाएंगे जब थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आए, तो लॉजिकली चीजों को समझना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल के यूं पूछा जा सकता है कि सुबह 8 बजे चढ़ना शुरू हुआ तो कितने बजे टॉप पे पहुंच जाएगा, 8:51 पे वो पहुंच जाएगा पोल के टॉप। मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट जंप हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर लास्ट जंप फिसलन वाली ही होगी, मतलब लास्ट अगर वो फिसलेगा ही तो टॉप पे कैसे पहुंचा, पहुंच नहीं सकता। वो लास्ट पार्ट हमेशा माइनस करना है पॉजिटिव वाला, इस 75 के इर्द गिर्द काम करना है। तो आसान क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट ही 75 मिलेगा आपको, जैसे इसमें 3 को कौन सी इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे 75 मिला, 25 से मिल गया, ठीक है? अगर ये 75 ना मिल रहा हो तो फिर इससे जस्ट अबव मल्टीपल लेना होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे।
उधर से 25 मिनट 50 मिनट कवर हो गए, 50 मिनट में 75 मीटर पहुंच गए यहाँ तक। अब अगला मिनट आएगा और वो 5 मीटर चढ़ेगा और पहुंच ही गया, तो 51 मिनट में वो पोल के टॉप पे पहुंच गया। और फिर मैंने ये बताया, अगर कई बार एग्जाम में यूं पूछा हो कि सुबह 8 बजे उसने चढ़ना शुरू किया, तो बेटा फिर आंसर क्या होगा, 8:51। और कई बार थोड़ा सा यूं भी पूछ लिया जाता है कि ये जो यहाँ तो 2 मिनट है ना, और कई बार यूं घुमा के भी पूछा जाता है कि 1 मिनट में 5 चढ़ता है और उसी में 2 फिसल जाता है, ठीक है। तो यहां पे फिर 2 मिनट का डिस्टेंस नहीं होगा बेटा, फिर वो 1 मिनट का होगा। ये 2 मिनट का 3 आ रहा है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 मिनट का 3 आएगा, जब ऐसी स्टेटमेंट हो कुछ कि 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है और उसी मिनट में 2 फिसल जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहना है, थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा बस, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो 51 मिनट है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करें। अब बड़े ध्यान से करना, पढ़ना कि दिया क्या हुआ। आइए पढ़े, ए मंकी क्लाइम 57 मीटर हाई पोल, ठीक है। तो मैं एक 57 मीटर का पोल बना देता हूं डायग्राम में आपके सामने, ये बना दिया मैंने पोल, थोड़ा सा यहां तक दिखा दिया मैंने आपको 57 मीटर। तुम्हें ड्राइंग पे मत जाना, आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो 57 मीटर लंबा पोल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो फर्स्ट मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और सेकंड मिनट में 2 मीटर नीचे आता है, तो हर 2 मिनट में बताओ, अब सेम लॉजिक, हर 2 मिनट में 10 - 2 = 8 मीटर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब टोटल 57 है, तो आप लास्ट जो 10 मीटर की जंप है वो माइनस कर लीजिए, तो आपने यहां तक 47 देखा, 10 मीटर माइनस किया तो 47 मीटर रह गया। अब ये वो क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट 8 को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 47 मिलेगा। फिर मैंने क्या कहा था, अगर नहीं मिलता तो 47 के जस्ट अबव इंटीग्रल मल्टीपल। अब 47 से जस्ट अबव 8 का मल्टीपल क्या होता है, 48 होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर 47 8 6 48 कह रहे हो, सर 8 7 56 ले लो। आइए वो बात भी आपको समझा देता हूँ, पहले 48 वाला पॉइंट कहीं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहां तक 48 मीटर है। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा है कि सर 56 क्यों नहीं लेते आप, 56 भी लीजिए बेटा। जब 48 तक पहुंचेगा तो अगली जंप मारने की जो क्षमता है वो 10 और रहता है 9, क्योंकि 48 के बाद 57 पूरा करने के लिए 9 चढ़ना, तो उसी मिनट में चढ़ जाएगा। 48 के बाद तो फिर कोई कसर ही नहीं रही ना, तो 56 तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं, इसीलिए बेटा हम जस्ट अबव मल्टीपल लेते हैं। जैसे 47 के जस्ट अबव 8 का मल्टीपल 48 है, तो हमने 48 लिया, 56 नहीं लिया। तो ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है, इसलिए मैंने अब क्लियर कर दिया। तो मेरा पर्पस क्या रहेगा बेटा बताओ, मेरा पर्पस रहेगा 48 तक अब कवर करा दूं, ये 48 तक, यहाँ तक ये 48 है यहाँ तक, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, मैं कलर और लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लो मैंने पिंक में लिख दिया, यहाँ तक 48 कवर कराना है मुझे अब, ठीक है। 8 6 48 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 × 6 उधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, अब 6 × 12 मिनट यहां तक तो ठीक है, बच्चे कर लेते हैं। अब रह गया लास्ट का 9 मीटर, हर मिनट में चढ़ने की क्षमता कितनी है उसकी, 10 मीटर है, जबकि रहता कितना है, 9 रहता है। अब बताइए उस मिनट का कौन सा पार्ट लेगा, पूरे मिनट में तो 10 मीटर चढ़ जाता है लेकिन 10 तो रहता ही नहीं है ना, 10 से कम रहता है, 9 रहता है, तो 9/10 ऑफ दैट मिनट, 9/10 मिनट का मतलब अगर मैं इसके सेकंड बनाऊ × 60 करूंगा तो 54 सेकंड्स आ गया बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा आप जल्दी बोलो, 12 मिनट और 54 सेकंड। अब आप में से कई बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा होगा, यार 47 के जस्ट अबव मल्टीपल क्यों लिया, 47 की जस्ट बिलो मल्टीपल भी तो ले सकते थे। हाँ वो ले सकते थे, 47 के जस्ट बिलो मल्टीपल जो 8 से कटता हो वो 40 होता है, लेकिन आपकी एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता, लंबा हो जाता, इसलिए मैंने 40 पे काम ही नहीं किया। आप समझ गए, तो ऐसा क्वेश्चन जब आए जब पूरा ये ना कट रहा हो, उस वैल्यू से जस्ट अबव मल्टीपल लेना है ये वाला, बस। अगर आप ये बात समझ गए फिर तो आपको अगले क्वेश्चन भी इजिली समझ आ जाएंगे। अब आप मेरे से पहले ही अगला क्वेश्चन कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये लो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे करने से पहले आप कर दीजिए, नहीं आता तो आप वीडियो तो देख ही रहे हो, दोबारा से कर रहे हैं। आइए, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
एक पोल है जो 76 मीटर लंबा है। ठीक है जी, 76 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, पहले मिनट में बंदर 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलता है। तो हर 2 मिनट में 8 में से 3 गए, कितना हुआ प्यारे बच्चों? 5 मीटर हुआ। हर 2 मिनट में कितना हुआ? 5 मीटर हुआ। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? इस 76 में से वो जो लास्ट जंप है पॉजिटिव वाली, वो माइनस कर दीजिए। ये लो, मैंने माइनस कर दी 8 मीटर, तो रह कितनी गई? 68। बोलो यहां तक समझ आया? अब अगला स्टेप क्या होता था? या तो 5 को एक ऐसी इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 68 मिल जाए, तो कई बार नहीं मिलेगा, तो क्या करें? इससे जस्ट अबव इंटीग्रल मल्टीपल आपको क्या नजर आ रहा है? शाबाश बताइए। 14 5 70 होता है ना, 14 से मल्टीप्लाई करो 70 मिलेगा। आपने 70 तक जाना है, समझे मेरी बात? 70 तक जाना है, तो 70 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर हर 2 मिनट में 5 मीटर जा रहा है, तो 14 5 70, उधर से 14 2 28 मिनट। तो मुझे ये मालूम चल गया कि वो 28 मिनट में 70 मीटर चढ़ जाएगा। अब बारी आएगी आगे, उसकी हर मिनट में चढ़ने की क्षमता 8 है, लेकिन 70 चढ़ चुका है तो 6 ही तो रहता है। तो अगले मिनट में वो 8 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन रहता 6 है, तो उस मिनट का कौन सा हिस्सा? 6/8, 3/4 हिस्सा हो गया। और इसके अगर आप सेकंड बनाओगे, ये तो मिनट में आया ना, इस 3/4 हिस्से के सेकंड बनाओगे तो इंटू 60 भी करना पड़ेगा, 45 सेकंड। और अब जल्दी से आंसर बताओ, 28 मिनट और 45 सेकंड, कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है आपको? ऑप्शन बी नजर आ रही है। ठीक है जी, आओ अब हम थर्ड करते हैं। तो बिल्कुल सेम लॉजिक से मैंने आपको बताया। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में देखिए, ए मंकी क्लाइम्स 74 मीटर हाई ग्रीस्ड पोल इन फर्स्ट मिनट। तो 74 मीटर हाई पोल है, ठीक है जी, ये बना दिया मैंने आपके सामने। ही क्लाइम्स 12 मीटर एंड इन द सेकेंड मिनट ही कम्स डाउन बाय 5 मीटर। आफ्टर 16 मिनट ही जंप्स टू द सेकेंड पोल ऑफ सेम हाइट। अच्छा, एक और हाइट है, एक और पोल है सेम हाइट का। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो। पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 5 मीटर फिसलता है। तो हर 2 मिनट में कितना होगा? पहले तो ये बताओ, हर 2 मिनट में कितना होगा? 12 चढ़ता है और 5 फिसलता है, तो 12 - 5, 7 मीटर चढ़ता है हर 2 मिनट में। पहले पोल पे यहां पे चढ़ना शुरू किया होगा, ये फर्स्ट पोल है हमारा, मैं फर्स्ट लिख देता हूं, इसको सेकंड लिख देता हूं। फर्स्ट पोल पे वो 16 मीटर चढ़ा, फर्स्ट पोल पे वो 16 मिनट चढ़ा, हर 2 मिनट में 7 चढ़ता है, तो 16 मिनट चढ़ेगा, 2 8 16, उधर से 7 8 56 मीटर चढ़ जाएगा। पहले पोल पे वो 56 मीटर चढ़ गया, यहां तक 56 मीटर होगा, कहीं किसी पॉइंट पी पे पहुंच गया। इस फिर इसने ना इस पोल से इस पोल पे जंप मारी यहां पे, और कितने मीटर नीचे आया? 16 मीटर नीचे आया, मतलब यहां तक पहुंच गया वो, 40 मीटर तक, 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा, पहुंच गया जंप मार के। इस पोल पे उसका अब और कितना चढ़ना रहता है ये सोचो, 34 मीटर चढ़ना रहता है, और जंप में भी टाइम दे रखा है, ये जंप मारने में उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी लगे, तो ये भी हमने काउंट करना है। तो अब तक 16 मिनट और 10 सेकंड, 16 मिनट तो ये 56 चढ़ने के लिए, 10 सेकंड ये, अब तक 16 मिनट 10 सेकंड लग चुके हैं। अब उसको और कितना चढ़ाना है? सेकंड पोल पे सेम हाइट का था, 40 तो ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि 56 में से 16 मीटर नीचे भी आया, ये देखो 16 मीटर डाउन। ठीक है, अब उसको 34 और चढ़ाना है। लॉजिकली अब एक नया क्वेश्चन बन गया, जिस पे बंदर ने 34 मीटर चढ़ना है जिस पोल पे, और उसका हर 2 मिनट का ये
कॉन्सेप्ट है कि 2 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है। अब आप कैसे सोचोगे 2 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है और लास्ट जंप माइनस कर लेनी होती है, लास्ट जंप जो पॉजिटिव वाली है ये लो 34 में से 12 माइनस कर लो तो उसको 22 तक चढ़ाना है। ठीक है, ये 34 है ना, ये यहां से यहां तक 34 इसको देख रहा हूं मैं, 12 माइनस कर लिया तो मुझे ये 22 चढ़ाना है यहां तक, ये यहां से यहां तक बेटा 22 है, ये ध्यान रखना, कलर ले लेता हूं और ये यहां से यहां तक, इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इस पॉइंट का नाम बी दे दो, तो ए से बी तक बेटा 22 है, ये ध्यान रखना, तो 22 मीटर चढ़ाना है पहले तो 7 के जस्ट आसपास, 22 मीटर से जस्ट ऊपर मल्टीपल 7 का, तो 7 चौक 28 होता है, तो 7 चौक 28 उधर से 4 × 8 8 मिनट में वो 28 मीटर चढ़ गया। ठीक है, यहां तक आया समझ, यहां तक कहीं होगा 28 मीटर पॉइंट, 34 था टोटल तो रह कितना गया यहां पे बोलो 6 मीटर और रह गया। ठीक है, 28 तक तो चढ़ गया वो, 22 तक हम देख रहे थे, 22 से जस्ट ऊपर 28 तक का देखना है, ये टोटल यहां से यहां तक हमारा रह कितना गया था 34। ठीक है, और टोटल यहां तक पूरा एंड तक 34 और 28 मीटर जाने के लिए इस 34 में उसको 8 मिनट लगे, बाकी रह गया 6। अब हर मिनट की जंप उसकी पॉजिटिव जंप कितनी है, देखो उसकी पॉजिटिव जंप है 12, तो क्षमता 12 चढ़ने की है लेकिन रहता 6 है, तो 30 सेकंड 6/12 आधा मिनट ये लग गया, आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड ये लग गए। ठीक है, तो टोटल 8 मिनट 30 सेकंड यहां पे जो बचा हुआ 34 था, 8 मिनट 30 सेकंड। अब जल्दी से बताओ 8 मिनट 30 सेकंड यहां और यहां पे कितने मिनट थे, शाबाश बताइए, 16 मिनट पहले लगे थे है ना, ये देखो 16 मिनट के बाद ये 16 मिनट यहां लगे थे, 16 मिनट 10 सेकंड का जंप और यहां पे 8 मिनट और 30 सेकंड, अब टोटल बताओ कितना होगा, 16 और 8 24, 30 सेकंड और 10 सेकंड 24 मिनट और 40 सेकंड, तो ये कौन सा आंसर हो गया हमारा, ए आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा टफ सवाल था, वैसे कुछ टफ नहीं है, देखो 56 चढ़ाया 16 मीटर डाउन आया तो 40 पॉइंट पे बैठा है, 34 और चढ़ाना है तो नया क्वेश्चन बना लो आप, उसको 34 मीटर चढ़ाना है 34 मीटर लंबे पोल पे, उसके बाद तो वही प्रोसेस फॉलो करनी है, हर 2 मिनट में कितना 12 माइनस 5 7 है ना, तो 34 चढ़ाना है पहले तो आप 12 माइनस कर लो 34 में से, 22 रह गया, अब 22 चढ़ाना है ना, 22 से जस्ट ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल 7 का, तो 7 चौक 28 किया था मैंने, फिर 34 में से 28 तो वो 8 मिनट में चढ़ गया, फिर 6 रह गया, क्षमता है 12 चढ़ने की, तो 6 चढ़ने के लिए आधा मिनट और 6/12 आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड, तो यहां पे आपका 8 मिनट 30 सेकंड 10 सेकंड की जंप, 8 मिनट 40 सेकंड और पहले आपका 16 मिनट चढ़ा हुआ था, तो 16 मिनट प्लस 8 मिनट 40 सेकंड यानी कि 24 मिनट और 40 सेकंड। आई होप आपको ये टफ क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यही हमारा चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ हमारे फेसबुक पेज भी है मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज एंड बजाज कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।